ये है 2024 की पहली नई रॉयल इनफील्ड बुलेट 350। ये है दोस्तों बुलेट 350 का बेस वेरिएंट, बेस से एक ऊपर आप लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो बेस वेरिएंट है उससे ये 6000 रुपये महंगी है। जी हाँ दोस्तों, अब 6000 रुपये में आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या क्या देखने को मिलेगा वो आज हम लोग इस वाली वीडियो में जानेंगे। ये जो बाइक है दो कलर ऑप्शन में नई लॉन्च हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं, एक है इसका ब्लैक कलर एंड एक है इसका रेड कलर। जो डिफरेंस है कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या आप लोगों को जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा नई वाली बुलेट 350 के वेरियंट में। दोस्तों पहले आप लोगों को रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 में तीन वेरियंट देखने को मिल रहे थे, मिलिट्री, स्टैंडर्ड एंड ब्लैक गोल्ड। अब आप लोगों को चार वेरिएंट देखने को मिलेंगे, मिलिट्री, मिलिट्री सिल्वर एंड स्टैंडर्ड एंड हमारी लास्ट ब्लैक गोल्ड। दोस्तों ये जो दो नए वेरिएंट आए हैं इनका नाम है मिलिट्री सिल्वर। ये कलर आज मैं इस वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये है ब्लैक कलर जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये भी बेस वेरिएंट ही, इसके अंदर भी आप लोगों को सिंगल डिस्क सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आप लोगों को जो डिफरेंस मिल रहा है वो है इसके कलर ऑप्शन में। ये जो आप लोग लाइन्स देख पा रहे हैं, ये सिल्वर लाइन्स ये आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये आप लोगों को जो नई जो लाइंस है वो देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ इन लाइंस के आप लोगों को एक्स्ट्रा 6000 रुपये देने हैं, बाकी कोई भी डिफरेंस आप लोगों को नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये जो आप लाइंस देख पा रहे हैं सिल्वर लाइंस, ये इसके टैंक पे ऐड कर दी गई हैं और इसके साइड पैनल पे ऐड कर दी गई हैं। इस लाइन के आप लोगों को एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपये देने हैं, अदरवाइज कोई और फीचर अपग्रेड नहीं किया गया है। स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है जो आप लोगों को पहली बुलेट 350 के अंदर देखने को मिल रही थी। जैसे कि सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इसके टायर से। फ्रंट टायर आप लोगों को 190x19 इंचेस का देखने को मिलेगा, रियर टायर आप लोगों को 120x18 इंचेस का देखने को मिल जाएगा। फ्रंट टायर आप लोगों को 19 मिलेगा, रियर टायर आप लोगों को 18 मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। दोनों ही टायर आप लोगों को ट्यूब टायर मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये जो डिस्क ब्रेक आप लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर आप लोगों को फ्रंट में 300mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी और वाइब्री की ब्रेकिंग आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। जो इसका रियर ब्रेक है वो आप लोगों को ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेगी इसके अंदर, जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगी। इस बाइक के अंदर आप लोगों को इंजन और जो बैंड पाइप साइलेंसर है वो आप लोगों को क्रोम मिलेगा, बाकी सभी बाइक आप लोगों को ब्लैक कलर की देखने को मिलेगी। कलर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लगता है वाला कलर देखने में। ब्लैक कलर में बुलेट की जो लुक है वो अलग ही निखर के आती है। पूरी बॉडी 98-99% बॉडीज के अंदर आप लोगों को मेटल के यानी कि लोहे की बॉडीज के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये तो इसकी हेडलाइट आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोगों को हैलोजन बल्ब में देखने को मिलेगी। दो ऊपर पायलट बल्ब आप लोगों को अगेन बल्ब में देखने को मिलेंगे। क्रोम इंडिकेटर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं एंड ये आप लोगों को अगेन बल्ब में देखने को मिलेंगे। जो इसकी टेल लाइट है वो आप लोग ये देख सकते हैं राउंड शेप में आप लोगों को अगेन बल्ब वाली टेल लाइट इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती है एंड जो इंडिकेटर्स हैं वो अगेन आप लोगों को बल्ब में देखने को मिलेंगे क्रोम में। बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में। इस बाइक के अंदर आप लोगों को फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, रियर इसके अंदर आप लोगों को हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन आप लोगों को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। 160 की टॉप स्पीड मिलेगी इसके अंदर आप लोगों को, डिजिटली फ्यूल गेज दिखाएगा, ट्रिप दिखाएगा, टाइम दिखाएगा, गियर्स दिखाएगा एंड आप लोगों को किलोमीटर शो करेगा। जो स्विचेस हैं वो रोटरी वाले स्विचेस आप लोगों को मिलेंगे जो कि काफ़ी प्रीमियम स्विचेस जो दोस्तों माने जाते हैं एंड ये जो स्विचेस हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी प्रीमियम ये स्विचेस होते हैं। एंड आप लोगों को इस पर प्लास्टिक जो साइड मिरर्स है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 13 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी एंड ये है इसका फ्यूल टैंक जो आप लोगों को सिल्वर लाइन्स के साथ देखने को मिल रहा है। ये जो लाइन्स है दोस्तों ये अगेन हैंडमेड लाइन्स होती हैं, ये आप लोगों को वही स्टैंडर्ड वाली याद दिलाएगी जो आप लोगों को हमारी पुरानी जो स्टैंडर्ड आती थी बुलेट 350 स्टैंडर्ड, वो आप लोगों को गोल्डन स्ट्रिप्स में देखने को मिलती थी, आप लोगों को सिल्वर में देखने को मिल रही है। ये भी हैंडमेड ही थी, वो भी हैंडमेड ही, ठीक है। आप लोगों को E20 की स्टिकरिंग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्रोम फ्यूलिड आप लोगों को मिलेगा, 3D में आप लोगों को यहाँ पे वाइट कलर का रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा जो कि 3D में रहने वाला है, ठीक है। एंड ये वाइट कलर का फ्यूल टैंक बता दिया मैंने, 13 लीटर की मिलेगी। नीचे आ जाते हैं इंजन के बारे में बात करते हैं। ये जो क्रोम इंजन आप लोग देख पा रहे हैं ये आप लोगों को नया जे सीरीज वाला इंजन मिलेगा जो आप लोगों को 349cc का मिलेगा एंड पावर फिगर्स की बात करूँ तो ये आप लोगों को दोस्तों 20.1 BHP की पावर निकाल मिलेगा विद 27 Nm ऑफ टॉर्क। 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स रहने वाला है विद एयर कूल्ड इंजन टेक्नोलॉजी। बैंड पाइप और इसका साइलेंसर आप लोग देख सकते हैं, ये इसका एग्जॉस्ट आप लोगों को मिलेगा जो कि आप लोगों को पूरा का पूरा क्रोम में देखने को मिलने वाला है। क्रोम का जो यूसेज है वो इस बाइक के साथ जो निखर के आ रहा है अलग ही, क्योंकि ये जो बाइक है वो ब्लैक कलर की है। अभी तो इसमें एसेसरीज आप लोग देख पा रहे हैं, 2-3 एसेसरीज इसमें एज एन एडिशनल एसेसरीज लगी हुई है, ये आप लोगों को बाइक के साथ देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले एसेसरीज की बात करूँ तो वो है ये आप लोगों को इसकी विंडशील्ड देखने को मिलती है, ये विंडशील्ड इसके अंदर एज एन एडिशनल एसेसरीज है। उसके बाद आप लोगों को इसमें एक लेग गार्ड लगा हुआ मिलेगा जो कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये इसके अंदर एज एन एडिशनल एसेसरीज लगी हुई है। बाइक आप लोगों को प्रॉपर ऐसी देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल स्टॉक बाइक है, ऐसे आएगी बाइक, इसको ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। अब
जो ये आप लोग लकड़ देख पा रहे हैं, ये भी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कंपनी ने डिस्प्ले के लिए लगाया हुआ है, एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे भी आप लोग जो नीचे समगार्ड देख पा रहे हैं, ये समगार्ड भी इसके अंदर आप लोगों को लगा लगाया नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। इसके अलावा इसमें आप लोगों के जो पीछे बैकरेस्ट देखने को मिल रहा है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, ये भी इसमें लगा हुआ है। ऐसी आप लोगों को इसमें जो रोड है वो देखने को मिलेगी, ये वाली, ये भी आप लोगों को 2750 रुपये का कुछ करता है। ये चार साढ़े चार हज़ार रुपये का ये है, और 3-3.5 हज़ार रुपये का वो है, और ये अगेन 3-4 हज़ार रुपये की ये है। आप लोगों को जो इसमें विंडशील देखने को मिलता है, ये इसमें कुछ एसेसरीज कंपनी ने डिस्प्ले के लिए लगाई हुई है बाइक के अंदर। आप लोग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं, वैसे आप लोगों को बाइक वैसे स्टॉक देखने को मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों इसके फुटपैक्स के बारे में, तो ये इसके फुटपैक्स जो कि एडजस्टेबल आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, एंड साइड स्टैंड मेन स्टैंड आप लोगों को बाइक के अंदर लगा हुआ मिलेगा, साड़ी गार्ड आप लोगों को मिलेगा विद फुटरेस्ट, एंड ये इसकी सीट जो कि सिंगल सीट रहने वाली है और ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल कुशनिंग वाली सीट आप लोगों को मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गई ओवरऑल सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात, इस बाइक के बारे में कंप्लीट डिटेल आप लोगों को मैंने बता दी है। प्राइसिंग इस बाइक की आप लोगों की स्क्रीन पे लिखी आ रही है, आप लोग इसकी प्राइसिंग भी जो है देख सकते हैं, सब कुछ आप लोगों की स्क्रीन पे लिखा आ रहा है इसकी प्राइसिंग के बारे में। डायमेंशंस वगैरह सब कुछ सेम है बाइक में, सारी डिटेल वही है, कोई भी स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं की गई है कंपनी की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ ये जो लाइंस आप लोग देख पा रहे हैं, ये लाइंस ऐड कर दी गई हैं इसमें, इसके अलावा कोई भी पूरी बाइक में चेंजेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये थी मेरी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने इस बाइक के बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल दे दी है, सब कुछ आप लोगों को बता दिया है मैंने इस बाइक के बारे में। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के मन में, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।